हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अदर वीडियो रेडमी ट्रिपल एम। दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी के वाली जो लाइट्स होती है इन्हें बदल रहा था, इनके अंदर एलईडी को इंस्टॉल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक वीडियो बना ली जाए। हालांकि मैंने रिमूव वगैरह पहले से ही कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको इंस्टॉल करने, रिमूव करने हैं, क्या प्रोसेस है, और मैंने एलईडी कौन सी ली है, कहाँ से ली है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एलईडी दिखा देता हूँ। ये वाली इसके अंदर एलईडी आती है जो आपका पार्किंग बल्ब के अंदर यूज़ होता है, गाड़ी के हेडलाइट में वही वाला बल्ब होता है इसके अंदर। ये ऑल एक्सट्रीम का मैंने लिया है, ये मंगाया मैंने अमेजोन से, मेरे को 120-130 के अराउंड आसपास पड़ा है। तो दोस्तों, इसे निकालने के लिए ज़्यादा कोई साइंस, रॉकेट साइंस वगैरह कुछ नहीं है, आपको सिंपली वाला फ्रेम निकाल लेना। अगर आपकी लाइट के आसपास ही अड़ रहा है उसका नंबर प्लेट का, अगर ये नहीं अड़ रहा तो आपको इसे भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, ये वाला जो हमारा सर्वे होता है इस तरीके से हमारा फिक्स होता है। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, इसे ऐसे प्रेस करोगे दोनों साइड से तो ये नीचे निकल जाएगा, और ये यहाँ पे इस तरीके से निकल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऐसे लग जाता है, लॉक होकर निकल जाता है। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना आपको, ये ऐसा बल्ब खींचोगे तो बल्ब बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मेरे को पहले एक बार कैमरा सेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वाला बल्ब निकाल लिया है पहले से। तो दोस्तों, करना कैसे बल्ब ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल ही लगता है, इसे सिंपली खींच के निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हम दोनों बल्ब को निकाल लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा गर्म हो रहा है तो मैं ऊपर लाइट ऑफ करूं। दोस्तों, अभी आपका ये डाउट भी आ रहा होगा, मैंने लाइट ऑन क्यों करी है। मैं अभी आपको ये चीज बताऊंगा। आपको जो सिंपली पकड़ के खींचना है, ये देख सकते हैं आप, ऐसे खींचने पे निकल गया। तो दोस्तों, मैंने लाइट इसलिए ऑन करी थी क्योंकि एलईडी के अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है, तो ये हमें जला के ही पता चलेगा, इसलिए मैंने लाइट ऑन करी थी। मैं एक बार फिर से लाइट ऑन करी आता हूँ। तो दोस्तों, मैंने लाइट ऑन कर दिया, मेरे को ये चेक करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसे लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं लाइट निकली, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मैच नहीं कर रहा, तो वैसे अपोजिट करके लगा देता हूँ। इस टाइप पे लाइट जल गई। सेम आपको दोस्तों इस वाले में करना है, इसमें एक बारी में फिट बैठ गई। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक सॉकेट है, इसे इसके अंदर सेट करना है। आप देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं फिट बैठ चुका है। सेम हमें ऐसे दूसरे वाला भी करना है, इसे भी हमें इस तरीके से लगाना है। तो मैं आपको एक बार दोस्तों कैमरे से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से सेट हो चुकी है। अभी आपको इसका कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार इसका नाइट व्यू भी दिखा दूंगा, नाइट में इसका थोड़ा आउटपुट आएगा ये इस तरीके से। फिर आपको वापस से इसका कवर लगा देना है। दोस्तों, ये है इन एलईडी का कुछ नाइट का व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूँ कितनी प्यारी लग रही है। इसमें वो पहले हेलोजन वाले बल्ब होते थे, इतनी प्यारी नहीं लगती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे लाइट आती है। थोड़ी की तरह अगर आप थोड़ी सी नीचे देखेंगे तो नीचे भी एलईडी का थोड़ी सी पोर्शन आता है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा अकेला था, तो मेरे को कैमरा पकड़ने में थोड़ा इशू था, इसलिए मैंने सारी चीज़ ढंग से नहीं दिखा पाया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, इशू हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, हालांकि मैंने वाले बल्ब अपने इन पार्किंग बल्ब्स को बदलने के लिए मंगवाए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर की साइड है, तो अभी मैंने सोचा कि इसकी जगह पहले उसमें डाल देता हूँ, फिर मैं दोबारा वहाँ के इन्हें भी डालूंगा। अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए इनकी भी, तो बता देना, मैं कमेंट कर देना, तो मैं इसकी भी वीडियो आपको जरूर लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, एंड डू केयर ऑफ योर कार।